गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य आयुष्कमान सिद्ध्य। आप सभी आदरणीय आचार्य गणों एवं उपस्थित श्रोता गणों को नमस्कार। मैं शिवेन्द्र राणा कक्षा छठी का छात्र आज आपके समक्ष एक प्रेरणादायक लोक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चार मोमबत्तियां। गिरीर महान गिरे रवदीर महान, अबते नरगो महद नब सोपी महद, ब्रह्मा तत्व भी आशा गलियसी। अर्थात पर्वत महान है, महासागर उससे भी महान है, आसमान भी अनंत महान है, यद्यपि ईश्वर नभमंडल से भी अधिक महान है, परंतु इन सब में सबसे महान आशा है। रात का समय था, चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। केवल एक घर के कमरे के अंदर चार मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनका नाम शांति, विश्वास, प्रेम और आशा था। एकांत पाकर वह सब एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी पहली मोमबत्ती अपनी व्यथा सुनाते हुए बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है कि अब इस संसार को मेरी आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। हर तरफ देखो तो लूटमार मची हुई है, एक मानव दूसरे मानव का शत्रु बना हुआ है, चारों ओर आपाधापी लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है, हर जगह शांति का वातावरण फैला हुआ है। मैं यह सब नहीं देख सकती और ना ही अपनी ओर यहाँ रह सकती हूँ। ना कहकर पहली मोमबत्ती निराश होकर बुझ गई। तभी दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की वेदना व्यक्त करते हुए बोली,